Thank you.
माई चैनल ट्रैवल बग। टुडे आई एम हियर एट नेरूल सेक्टर 21। हमारा व्लॉग हमेशा की तरह फूड व्लॉग नहीं होने वाला है। आज हम आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए रॉक गार्डन, जो सेक्टर 21 में है, जिसे संत गाडगे बाबा उद्यान भी कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेस जो बच्चों को एंड एल्डरली जो है उनको भी काफ़ी पसंद है। सो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, इसके बारे में बहुत सुना है। वी गो दिस वे बिकॉज यहाँ पे वाटरफॉल है एंड हम एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी आज हमें क्या एक्सप्लोर करने मिलता है या क्या देखने मिलता है। जैसे मैंने कहा था, ये छोटा सा वाटरफॉल है, रिसाइकल वाटर ही इसको रीयूज किया जाता है, बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और इसकी वजह से ये जो आसपास का एरिया है ये काफ़ी ठंडा लग रहा है, सो इट्स वेरी प्लीजेंट, बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे एमपी थिएटर है, जिसे खुला रंगमंच भी कहा जाता है, ये पीछे वाला। बैठने की जगह होती है, वैसे ही ये डायस के सामने एग्जैक्टली बैठने की जगह है, जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। और यहाँ से फिर आगे गार्डन है पूरा। यहाँ पे ओपन जिम है, मॉर्निंग को जब कोई भी मॉर्निंग वॉक के लिए आता है, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं। कार्डियक साइन को कंसीडर करते हुए उसका यहाँ पे ब्रीफिंग दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बोटानिकल नेम, हर प्लांट के बोटानिकल नेम लिखे हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। अगर छोटे बच्चे आते हैं तो उनको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये बात। अब हम जा रहे हैं केव की तरफ। पता नहीं यहाँ क्या था, बस ये टूटा हुआ है, इट्स ब्रोकन। यहाँ पे सॉर्ड एंड अलग अलग ट्रेडिशनल जो वॉर में यूज होते थे उसके मोटिव्स लगाए हुए हैं। पता नहीं इसको केव मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है, बट आई थिंक ये एरिया शो होता है जैसे फोर्ट होता है, कोई किला होता है, उसका जो आउटर पोर्शन या इनर पोर्शन होता है वो करने की कोशिश की है। ये एरिया भी वैसे ही है, टिल हियर। एग्जिट डोर,
यहाँ पे संत गाडगे बाबा का मैसेज लिखा हुआ है इस बोर्ड पे, और ये पीछे उनकी पूरा, ये पूरा उनका स्टैचू है। सामने आपको टॉय ट्रेन दिखती है छोटे बच्चों के लिए, दिस इज रियली गुड, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। काफी ब्रीजी है, बचपन याद आता है। मॉर्निंग। ये हमारी एक गेस्ट है या ये यहाँ की रखवालदार है हमें नहीं पता, बट बहुत प्यारी है। मनी मनी बाय कर, बाय कर, बाय मनी, बाय बाय। अब जैसे ही एंटर करते हो राइट हैंड में, हम राइट साइड में हम जब गए थे तो वाटरफॉल था, अब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ जाके देखते हैं हमें क्या दिखता है। आई थिंक बारिश होती है तो काफ़ी अच्छा है। और आगे ये वाटर पॉन्ड है, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दिस इज़ अ वे टू नर्सरी। यहाँ पे आई थिंक अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे। पूरा पूरा सूख चुका है, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से या जो भी है, यहाँ पे अभी प्लांट्स नहीं है। बट आई मस्ट से वन थिंग, इट इज़ वेल डेवलप्ड और वेल प्लांट। साफ सफाई है, ये काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने रखी हुई है, इट्स वेरी प्लीजेंट। उस तरह कुछ नहीं है। छोटा सा पॉन्ड था बट जो सूख चुका है।